अभी मैं बैठ गई हूँ बाहर, और यहाँ पे अपने खेत के बाहर मैन गेट है, यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और बैठने में थोड़ा डर भी लगता है, सांप कीड़े इधर से भी आ सकते हैं। जैसे कि इधर भी हरियाली है और इधर भी ये सारा हरा हरा है, तो थोड़ा डर लगता है यहाँ बैठने में, मैं कम ही बैठती हूँ। तो आप सबके कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं कहाँ से हूँ, है ना, क्या करती हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं गांव में क्यों रहती हूँ, मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ कि नहीं हूँ, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इस पे एक चैनल, एक वीडियो बना लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो देखो सभी लेना चाहते हैं, हम जब किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरा प्रॉपर जानना भी चाहते हैं कि हाँ क्या है, कैसे क्या है। तो जी मेरे चैनल का जो नाम है वही मेरा नाम है, और मेरा नाम है स्नेहलता, है ना। तो मुझे घर में बोलते हैं स्नेहा, तो स्नेहा जो है मुझे अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नाम दिया है ना। तो स्नेहा का मतलब आप सबको पता ही है। और मेरी जो एजुकेशन है, मैं बीकॉम कर रही थी, तो दो पेपर में मेरी बैक आई थी, अकाउंट में और इको में, है ना। तो ये बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट यही रहते हैं। तो मेरे दो पेपर में बैक आई थी तो क्लियर नहीं हो पाया मेरा, मैंने दो बार ट्राई किया था। क्यों? क्योंकि ब्लॉग में आप लोग देखते हैं कि मैं कितना सारा काम करती हूँ। तो काम करने के बाद ऐसा होता है कि आप खुद से लेके देखिएगा, मेरा मत सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप है ना खुद से लेके देखिए कि स्नेहा ने हमें ऐसे ऐसे बताया था, क्या ये सच है या नहीं। जब हम कोई काम करते हैं तो करते करते ना एक बॉडी थक जाती है, बॉडी के साथ साथ हमारा दिमाग भी थकता है। जैसे कि मैं घर में सुबह सो के उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, उसका नाश्ता बनाना, फिर सब, फिर बाद में घर वालों का बनाना, फिर घर का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर उसके बाद सबके कपड़े धोना। मतलब इतने, पांच लोग लगा लो, पांच लोग हैं हमारे घर में, तो पांच के पांच लोगों का काम मैं अकेली करती हूँ, अपना भी हो गया साथ में, छोटे बच्चे का भी होता है, देखभाल भी, सब कुछ होता है। तो वो सारा काम मैं करती करते, कितना भी करेंगे हम, देखो सुबह के टाइम जो होता है हम 2-4 घंटे हम स्टडी करते हैं ना, तो जब स्टडी का जो टाइम होता है वो मेरा निकल जाता है काम में। तो इस वजह से मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा बच्चा भी उस टाइम पर छोटा था, तो जब मैं पेपर देने जाती थी तो ये रोता था, मेरे साथ जाता था, गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। तो इस वजह से मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि काश मेरा क्लियर हो जाए, मैं भी अच्छी जॉब कर पाऊँ, कहीं अच्छी जगह लग जाऊँ, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाए मुझे, लेकिन ना नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया, अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं फ़ार्म भर दूँ, फिर से क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक वो होता है ना कि फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है आपकी, वो आपको एक बार पीछे की तरफ खींच लेती है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अभी देखते हैं क्या करना है मुझे ना। मतलब पेपर फीस तो उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, पर एडमिशन फ़ीस लगेगी मेरी, मुझे दोबारा से री एडमिशन कराना पड़ेगा अपना। तो मैंने बीकॉम किया था, आप लोग ये लगा लो, और मेरी शादी हुई है हरियाणा में, तो मैं हरियाणा में रहती हूँ, यहाँ पे हरियाणा में मेरा ससुराल है। और शादी जब हुई थी उस टाइम पे हमारी लव मैरिज है, शादी जब हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम लोग ना गाँव में नहीं रहेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली में ही अपना घर बनाएंगे, दिल्ली में ही सेटल हो जाएंगे। तो 1-1.5 साल हम लोग रहे भी थे दिल्ली में, और उसके बाद है ना मेरा बेटा हुआ है, 1.5-2 साल के बाद मेरा बेटा, मैं शादी के 2 साल बाद मेरा लड़का हुआ था यक्षु। और तो हम लोग यहाँ पे घर पे आए थे, उस टाइम लग गया लॉकडाउन, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी। 3 साल मतलब ट्राई, ऐसा नहीं है कि बंदा जब घर पे रहता तो वो जॉब के लिए ट्राई करता ही नहीं है, 3 साल बहुत ज़्यादा इधर उधर की नहीं लगी। पहले ये अपनी खुद की गाड़ी चलाया करते थे, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे हस्बैंड की शुगर प्रॉब्लम हो गया इनको बहुत ज़्यादा, इनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से, तो शुगर की वजह से एक ये हो गया कि शरीर दिन पे दिन डाउन होता चला गया, होता चला गया। मेडिसिन जब घर में कमाई नहीं है तो मेडिसिन का भी ढंग से पूरा प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो मतलब हर चीज़ का एक एक होता है ना कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ऐसे नहीं, ऐसे करना, तो ये भी टेंशन थी। साथ में जॉब की टेंशन थी कि जॉब नहीं मिल रही है कहीं पे, तो ये भी हो गया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते 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 3 साल बीत गए, फाइनेंशियल कंडीशन जो थी एकदम ख़राब हो गई, एकदम ख़राब, मतलब हम दूसरे पर डिपेंड हो गए, और हमारा खर्चा जो है हम खुद से नहीं उठाते थे, और मतलब इन लॉस उठाते थे हमारा खर्चा, और कहीं ना कहीं ये एहसास भी कराया जाता था कि हम तुम्हारा खर्चा उठाते हैं, तुम्हारा खर्चा उठाते हैं। तो ये बात हस्बैंड को भी खलती थी, ऐसा नहीं है कि वो, भाई देखो हम जिसके साथ आए हैं, जब इसका शादी हो रखी है, एक बच्चा है, तो उसको क्या टेंशन नहीं होती, होती है ना।
लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं मुझे चाहे ये लगा लो कि मुझे इस तरीके से तरीके की परवरिश दी गई या मुझे इस सिचुएशन में पाला पोसा गया है कि मुझे हर चीज़ को मेंटेन करना सिखाया गया है कि हमारे पास पैसे हैं तो हमें कैसे जीना है, नहीं है तो कैसे जीना है, अपनी कंडीशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो मैंने कभी अपने हस्बैंड को हाँ गुस्सा जब होता है तो एक वाइफ जो होती है अपने गुस्सा हस्बैंड पर ही उतारती, किसी से नहीं बोलती, हस्बैंड से ही बोलती। तो कभी कभी मैं आज भी, अभी मैं ये नहीं कहती कि मैं अब नहीं बोलती, मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं दिल्ली में पली बड़ी थी, दिल्ली में मैं रहती थी, तूने मुझे कहाँ पे ला के डाल दिया, ये सब माहौल मेरे लिए बहुत नया था। पता है जब मैं शादी करके आई बहुत नया था, सब कुछ इतना नया था कि बिल्कुल भी ऐसा लगता था, कभी मैंने गांव नहीं देखा था, मुझे पता नहीं था गांव में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल भी एकदम अनजान थी मैं, हर चीज़ से अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब। सो फ्रेंड्स, यहाँ से है हमारा नेक्स्ट डे का। तो अभी मैं सुबह सुबह से सो के उठी हूँ और किचन में आई हूँ सीधा चाय बनाने के लिए कि अक्सु का नाश्ता रेडी करना है। तो 2 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, थोड़ी बिजी चल रही थी इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है मेरा। तो मैं सो के उठ गई थी, साथ साथ में यक्सु भी उठा दिया था मैंने आज, क्योंकि ये ना फिर उठने में आलकस करता है, तो मैंने कहा मेरे साथ में ही उठा लेती हूँ मैं। और मैं भी आज थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, तो इस वजह से मैंने इसको साथ में उठा लिया। तो जब तक मैं इसका नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, अपना चाय पानी लूंगी, जब तक कि जो है मतलब चाय तो अभी बनाऊंगी लूंगी क्या, लेकिन मैं जब चाय चढ़ाती हूँ तो अपना थोड़ा गर्म पानी निकाल लेती हूँ इसी में से, और कई बार अलग से भी बना लेती हूँ। जैसे बर्तन अगर चाय का है तो उसमें तो नहीं निकाल सकते ना, तो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी ननद जो है शिव जी को जल चढ़ा के आ गई हैं, तो अभी हम लोग चाय बना लेंगे और मैं पीऊँगी अपना पानी बैठकर। और यक्षु कैमरे के सामने थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, सुबह सुबह का टाइम है ना तो यक्षु ऐसे ही करता है। साथ में मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना गर्म पानी लेके, गर्म पानी पीने के लिए, और चाय चढ़ा दी है मैंने। तो आज मैं इसको फ्रूट देने वाली थी, तो इसलिए फिर मैंने इसका खाना कुछ भी नहीं बनाया था, तो इससे पहले इसने जूस पी लिया था थोड़ा सा। मैंने कहा जिस गिलास में मैंने पानी पिया है इसी में पी लो, बर्तन ज़्यादा क्यों गंदे करने हैं। तो मैंने इसको लीची का जूस डाल के दे दिया था, उसके बाद फिर मैं इसको नहला के लेकर आई हूँ। नहलाने के बाद इसको रेडी कर दूंगी अच्छे से स्कूल जाने के लिए। और ये ना रेडी होते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मैं यहाँ पे इसकी जिप बंद कर रही थी, तो बोलता है मेरा पैंट उतारोगी क्या, मैंने कहा नहीं मैं उतारूंगी नहीं, तुझे पहना आ रही हो। तो यहाँ पे व्हाइट पैंट सॉरी ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है। और ये ड्रेस हम लोग लेकर आए थे जब ये 2 साल का था, उस टाइम पर ये बड़ी थी, इसको आती नहीं थी, तो फिर अभी ये आ जाती, तो मैंने कहा पहना देते हैं, धरे धरे तो छोटी ही होती हैं। तो ये मैं इसको रेडी कर रही थी, बाहर भाग गया, फिर इसकी दादी ने बोला कि जा अपने सर में तेल लगवा के जब भाग कर आया। और इसकी दादी ने आज के लिए फ्रूट काट दिया था, तो मुझे मेरा वो टाइम जो था वो बच गया। तो अभी मैंने उसको कर दिया रेडी और यक्षु चला गया स्कूल, और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में, जो सुबह सुबह के काम रहते हैं हमारे यही रहते हैं, सबका बिस्तर फोल्ड करना, साथ साथ में अपना भी फोल्ड करना, तो मेरा यही रहता है। और फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी पड़ती है, क्यों 1 वीक में मैं बेडशीट जो है चेंज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब 1 वीक से ऊपर चला जाता है मेरा, लेकिन मैं 1 वीक में ज़्यादातर बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा रहता है ना एक सुखाली पैर घूमता रहता है, फिर उस पर ऐसे ही बेड पे आके चढ़ जाता है, तो इस वजह से फिर मन अजीब सा लगता है। और वॉइस ओवर करने में ये वीडियो ना मैंने आज ही बैठ के एडिट किया है, बहुत ज़्यादा सारा काम ख़त्म किया उसके बाद बैठ के एडिट किया है, देखते हैं आज अपलोड हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि सेविंग में ना बहुत टाइम लगा लेता है। पता नहीं क्या फ़ोन स्लो हो गया है क्या दिक्कत है, इसमें बहुत टाइम लगता है सेव करने में, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। पहले मेरा वीडियो 10 मिनट में सेव हो जाता था, मैं वॉइस ओवर करके 10 मिनट में सेव करके और अपलोड कर दिया करती, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टाइम लगने लग गया तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं आज सेव करूँगी तो कब अपलोड हो पाएगा। वैसे भी 2 दिन हो गए थे तो वीडियो जा ही नहीं रहा, मैंने कहा चलो आज कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने से क्या नहीं होता, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आसानी से नौका पार नहीं होती, तो बस वही हाल है मेरा। और चैनल आजकल मेरा बहुत बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, एकदम ना के बराबर हो गए हैं, मतलब इतनी मेहनत करती हूँ तो और फिर व्यू एकदम से डाउन हो जाते हैं, मेरा ना एकदम मन उदास हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ, चैनल छोड़ दूँ, बंद कर दूँ, क्यों मेहनत कर रही हूँ मैं इस पर, इस तरीके से हो जाता है। तो आज मैंने आप सबके साथ में पूरा घर शेयर किया, अपना अपना रूम, सेकंड रूम, हॉल, सब कुछ मैंने इसमें शेयर कर रखा है, आप लोग देखिएगा। और ये वाला हमारा बाहर वाला रूम है, एकदम बाहर वाला गेट के बगल में, और ये है बरामदा, बरामदे के सामने है हमारा आंगन। तो जितना हो पाता है मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको उसको सब कुछ दिखा सकूं, लेकिन हाँ अभी मैं शायद दिवाली तक या दिवाली के बाद आप लोगों के साथ में अपना होम टूर शेयर करूंगी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैंने किया भी नहीं है, और कुछ लोग बोलते भी हैं, तो चलो यहाँ पे मैंने अब सारे घर में आप लोगों से बात करते करते ऑलमोस्ट झाड़ू लगा लिया है। आंगन में झाड़ू लगाने में 1/2 घंटा लग जाता है मुझे, लेकिन आधे घंटे का वीडियो हम इसमें तो नहीं दिखा सकते, पर थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं जो है हर चीज़ का लेने की कोशिश करती हूँ।
फिर उसके बाद में मैं आ गई थी एकदम बाहर फ्रंट एरिया में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे ना ये टाइम जो रहता है 8:30-9 बजे का टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। कुछ लोगों के मैंने वीडियोस देखे, ब्लॉग देखे, तो सुबह सुबह 5 बजे आके और बाहर रोड पे झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन मेरा उस टाइम ये रहता है कि मैं और छोटे मोटे काम जो है अंदर के निपटा लूँ, जैसे एक सूखे तैयार करना, उसका नाश्ता वगैरह बनाना, या फिर चाय पानी का, ये सारे काम जो है मैं कर लेती। कभी कभी मेरा वीडियो का मैं सुबह सुबह एडिट करने बैठ जाती तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है, तो इस वजह से मेरे काम जो है थोड़ी धूप हो जाती है इस टाइम तक हो पाता, मतलब 12-12:30 बजे तक आज तक मैं आजकल मैं सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। अगर लाइट आ रही होती है तो कपड़े भी ऑलमोस्ट धुल ही जाते हैं। तो फिर ये कपड़े जो थे मेरे वीरवार को मैंने वॉश नहीं किए थे, भिगो कर छोड़ दिए थे, तो पानी आया हुआ था, मैंने कहा जब तक मैं इनमें ब्रश मार लेती हूँ बाहर टंकी में पानी लगा कर, जब तक ये भर जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं इनको अपने कपड़ों को धो लूँगी जब तक टंकी भर जाएगी। टंकी भरने के बाद मैं पाइप को ले आई थी बाहर, मैंने कहा जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ, और ये कपड़े सिर्फ मेरे और यक्सु के ही हैं, उसके बाद मैं और मशीन में भी डालूंगी, जब लाइट आएगी जब डालूंगी, तब तक मेरे कपड़े जो है वो वॉश हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अभी धूप तो रहती है, हाँ चिल मिलाहट वाली नहीं है, इतनी तेज चुभती नहीं है जैसे पहले चुभा करती थी, उससे चुभती नहीं है धूप, चमक तो रहती है लेकिन चुभती नहीं है, पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी भी मुझसे उतना धूप में काम होता नहीं है। तो फिर यहाँ पे मेरे कपड़े जो थे वो सारे धुल गए, मैंने पानी में निकाल लिए, और टब को मैंने अंदर दोबारा से इसलिए रख दिया कि बाहर अंदर रख के इसको भर दूंगी ना तो कोई नहाएगा तो उसमें वो काम आ जाएगा, और मुझे अंदर और भी छोटे मोटे काम हैं जो मुझे और निपटाने हैं, उसके बाद में मैं नहा लूँगी, फ्री हो जाऊँगी जब मैं। तो मैंने अपने कपड़े यहाँ पे वॉश करके ना और ड्राई नहीं किए थे, एज इट इज़ ऐसे ही सुखा दिए, क्योंकि धूप थी, मैंने कहा सूख जाएंगे 2-3 बजे तक, उसके बाद मैं फिर इनको मैं उठा लूँगी। और ये वाली रस्सी ना थोड़ी ऊंची है, मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, इस वजह से मुझे थोड़ा उछल उछल के कपड़े डालने पड़ते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, झाड़ू लगाने के बाद सीधा चली गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, और उसके बाद में फिर मैं किचन में आई। किचन में आके ये जो नाइट में बर्तन मैं वॉश करके रखती हूँ, पानी अच्छे से निचोड़ जाता है, एकदम सूख जाते हैं, फिर इनको मैं रैक में लगा देती हूँ, बहुत ईजी रहता है ऐसे करने में। और अब मैं सेक दूंगी सबके लिए जल्दी जल्दी से रोटियाँ। अभी हम लोगों ने नवरात्रि रखे करे थे, 2-3 नवरात्रि हुए थे, फिर परिवार में एक बच्चा हुआ है छोटा सा, जिस वजह से अब नवरात्रि में मतलब देवी की पूजा हो नहीं सकती, तो वो स्किप कर दिया है अभी आगे के लिए। अभी ज्योत वक्त कहते हैं ना, कुछ होता है जब कोई जन्म लेता है या कोई मरण होता है तो ज्योत बत्ती वगैरह नहीं करते, अशुद्ध हो जाता है ना, तो बीच में नवरात्रि जो है वो ख़राब हो गए, तो इसलिए पूजा पाठ वगैरह आप लोग मेरे वीडियोज़ में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने रोटियाँ सेक ली थी, सेकने के बाद फिर मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की थी, और अभी हो गया है 3 बजे का टाइम, और अब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, और रोटी मैं एक बार खाती हूँ दिन में, दोबारा लेना अवॉइड करती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय ले लूँगी, और बहुत नॉर्मल मीठा डालती हूँ, ज़्यादा मीठा मैं नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मीठा डालती नहीं हूँ, बाकी लोग जो पीते हैं उनके लिए ले डाल देती, लेकिन मैं अपने लिए नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अदरक वाली चाय बना लेते हैं, अदरक को मिक्स करके अच्छे से कूट दिया है, 2 तुलसी के पत्ते डाल तो बहुत टेस्टी चाय लगती है। तो इसी के साथ साथ मैं आज का वीडियो भी एंड करूँगी, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, मेरी लाइफ स्टाइल जर्नी अगर आप और आगे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।